हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PSU बैंक्स के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और दूसरी चीज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, राइट? आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, 5 PSU बैंक्स के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इन 5ों PSU बैंक्स में से कोई एक या एक से ज़्यादा बैंक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉस में हैं तब भी, अगर आप प्रॉफिट में हैं तब तो फिर आपकी मर्जी है। दोस्तों, 5 PSU बैंक्स को मैं डिस्कस करूं, उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं शेयर करना चाहूँगा, जो शायद आपको भी लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ये है। दोस्तों, PSU बैंक्स में से आप अगर आप देखें, जो टॉप बैंक्स हैं, जैसे कि SBI को छोड़ दें, तो बाकी बैंक्स में अभी उतनी ज़्यादा अच्छी कोई रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। मिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं मिली है जितने कि SBI में अभी तक आ चुकी है रिकवरी। SBI में हालांकि रिकवरी तो हो ही चुकी है और बहुत तेज़ी आने वाले समय में आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट से बता रहे हैं। लेकिन और जो PSU बैंक्स हैं, उन सभी में अभी रिकवरी और आपको देखने को मिलेगी, उतने से काम नहीं चलेगा। PSU बैंक्स, आपको पता होना चाहिए, आज से 2-3 साल पहले, एक साल पहले से ही आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो PSU बैंक्स की हालत बहुत खस्ता होती हुई चली गई है। ऊपर से COVID-19 आकर के इनकी खस्ता हालत को और बढ़ा दिया, राइट? कहाँ ये सुधरता, और बढ़ा दिया। तो अब भारत सरकार ने बैड बैंक बनाया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाया है, ताकि इन बैंक्स के बुक्स को क्लीन रखा जा सके और NPS को कम से कम, NPS को क्लियर करके इनकी बुक को क्लीन रखा जा सके, ताकि इनको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे कुछ 5 बैंक्स हैं जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिकमेंड किए जा रहे हैं, और ये वो बैंक्स हैं जहाँ पे अगर आप होल्डिंग करते हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपकी पोजीशन सही जगह पे है, गलत जगह पे नहीं है। चिंता करने की बात बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। इन बैंक्स के नाम लेना चाहूँगा, आप ज़रा गेस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन कौन बैंक्स हो सकते हैं। आप अपने गेस करके कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, और फिर सुनिए कि क्या आपके जो गेस है कितना सही है। दोस्तों, नंबर 1 पे तो आपको पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको तो पता ही है, सरकारी बैंकों में नंबर 1 पे है। चलिए मैं आपको सारे बता देता हूँ 1 by 1, यहाँ लिस्ट में सब कुछ मेंशन किया है बहुत अच्छे से। सबसे पहले पोजीशन पे यहाँ पे लिखा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका करंट प्राइस आपने देख ही लिया है, 46.5 के अराउंड चल रहा है। इसका TP यानी टारगेट प्राइस दिया जा रहा है 65 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ का, ये टारगेट पहले भी दिया जा चुका था, लेकिन अब फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है, ये चीज़ आप नोटिस करिए। दूसरा बैंक है यहाँ पे कनारा बैंक। कनारा बैंक का आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट है 218, इसका CMP है 216 के आसपास, यहाँ पे 218 लिखा है, इसको आप 216 मान लीजिए, राइट? और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 270 रुपीज़ का, आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन बैंक की बात करें, तीसरा बैंक है इंडियन बैंक, जिसको आपको पता है, जिसके अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया था, और एक कनारा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था, आपको पता होगा। तो इंडियन बैंक का आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट 158 CMP इसका 158.40 के अराउंड है, और इसका जो TP है यानी टारगेट प्राइस जो है 250 रुपीज़ का है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 499 के आसपास काम, 500 मान ले रहे हैं इसका करंट मार्केट प्राइस, और इसका जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है 675 का। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका CMP आप 94.35 है, 95 मान लीजिए, इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 130 रुपीज़ का। तो ये इनके दिए हुए टारगेट्स हैं दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को समझ करके, सुन करके आपके स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। जो लोग अभी भी सिंडिकेट बैंक के स्टेक होल्डिंग करते थे और उनको मर्ज करा करके कनारा बैंक के स्टेक्स प्रोवाइड करा दिए गए, और कम क्वान्टिटी प्रोवाइड कराए गए, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली। आंध्रा बैंक के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यूनियन बैंक में मर्ज करके थोड़ी सी क्वान्टिटी दे के खेल दिया उनके साथ, उनके स्टॉक प्राइस को ऊपर
एक्सटेंड कर दिया, इनका CMP उस लेवल तक अभी पहुंच ही नहीं पाया है कि बेचारे अपने निकल सके। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिव होंगे, मुझे पता है ऐसे लोगों के दुख और दर्द। तो मैं आप लोगों के लिए ये राहत की एक दवा दे रहा हूँ, यानी राहत की एक खबर दे रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके दर्द को थोड़ी बहुत कम करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दी गई जानकारी, ये डिस्क्लेमर भी दिया इन्होंने, ऐसा गारंटी नहीं करता है कोई भी कि जो चीज़ बोली जाए वो सच हो जाए हमेशा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एनालिस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को सोच समझ करके ही बोल रहे हैं। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करी जा रही है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और इसके अलावा जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन अर्निंग्स, अर्निंग्स में रिबाउंड इनको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों बस इतना ही अपने टर्म्स में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, PSU बैंक्स को लेकर के हमारी बातचीत लगी रहेगी आने वाले टाइम में भी। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।